जय माता दी बंधु। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि के भविष्य फल के बारे में। बंधुओं, ये वीडियो आपके लिए 3 महीने का भविष्य फल यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के बारे में बताएगा, इसलिए इस वीडियो को आप आखिरी तक अवश्य देखें। साथ ही साथ इस वीडियो के आखिर में हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे, तो आपके जीवन में कुछ भी परेशानियां हो, आप उन उपायों को जरूर करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मिथुन राशि वालों के जीवन में जो भी परेशानियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह जून, जुलाई और अगस्त आपके लिए थोड़ा परेशानी वाले हो सकते हैं। सेहत में उतार चढ़ाव आएंगे। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र और मंगल मौजूद है। 12वें भाव में राहु और बुध उपस्थित है। इसके अलावा 6ठे भाव में केतु और 8वें भाव में शनिदेव विराजमान है। ग्रहों की यह स्थिति स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल है। आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप किसी भी समस्या को यह सोचकर नजरअंदाज ना करें कि समय के साथ वह खुद ही ठीक हो जाएगी। थोड़ी सी भी परेशानी हो तो चिकित्सक से परामर्श लें और उसके निर्देशों का अमल करें। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, खान पान ठीक रखें और दिनचर्या को अनियमित ना होने दें। खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रखें, नियमित रूप से योग व्यायाम करें। इन 3 महीनों में आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इस समय आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। दूसरे भाव में शुक्र और मंगल की उपस्थिति है तो व्यय और हानि के भाव। दूसरे भाव में राहु और बुध की उपस्थिति है। ग्रहों का यह संयोग इस बात का संकेत दे रहा है कि आपको थोड़ी बहुत आय तो होगी लेकिन खर्च बहुत अधिक होंगे। नियमित खर्च तो ठीक है लेकिन अनुपयोगी चीजों पर भी ज्यादा खर्च करने की आपकी प्रवृत्ति रहेगी। हो सकता है कि किसी निवेश में भी पैसा डूब जाए। इन सब का असर आर्थिक सेहत पर पड़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। कर्ज लेने की नौबत भी आ सकती है। अगर संकट से बचना है तो आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। हालांकि माह का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत थोड़ा बेहतर रहेगा। आय में कुछ वृद्धि संभव है। किसी स्रोत से कुछ पैसा आ सकता है जिससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको अपने खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। जमा धन में कमी आ सकती है। बंधुओं, मिथुन राशि वालों के लिए यह महीने मिले जुले परिणाम देने वाले रहेंगे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीने सामान्य रहेंगे। करियर में उतार चढ़ाव रहेगा। आपको पूर्वार्ध में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। परिश्रम के अनुसार परिणाम नहीं मिलेंगे लेकिन उत्तरार्ध अपेक्षाकृत ठीक रहेगा। आप बाधाओं को दूर करने में सफल रहेंगे। नए कारोबारी संबंध बनेंगे जिससे भविष्य में लाभ प्राप्त हो सकता है। ये महीने शिक्षा के दृष्टिकोण से भी मिले जुले परिणाम ही देने वाले रहेंगे। शिक्षा में व्यवधान आएंगे लेकिन पढ़ाई लिखाई पूरी तरह नहीं रुकेगी। उच्च शिक्षा हेतु प्रयासरत छात्रों के लिए अच्छा समय है। विदेश में पढ़ाई करने का सपना भी पूरा हो सकता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आंशिक सफलता के योग हैं। इस माह परिवार में किसी प्रकार का शुभ आयोजन संभव है लेकिन किसी संपत्ति को लेकर या किसी अन्य वजह से परिजनों के बीच विवाद भी हो सकता है। माह के उत्तरार्ध में घर का माहौल फिर से सामान्य होने की संभावना है। इसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। प्रेम संबंधों के लिए यह समय अच्छा है। एक दूसरे के प्रति आकर्षण में वृद्धि होगी। एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। साथ में अच्छा समय बिताने को मिलेगा। लेकिन विवाहित जातकों की बात करें तो यह महीने उनके लिए थोड़े चुनौतीपूर्ण रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में टकराव देखने को मिल सकता है। जीवन साथी को सेहत से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। इन दिनों आपकी
आर्थिक स्थिति डावाडोल रहेगी, आमदनी कम रहेगी और खर्च ज्यादा होगा। आपको बजट बनाकर चलना होगा, नहीं तो आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा जाएगी। माह का उत्तरार्ध थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन खर्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीने अनुकूल नहीं है। किसी भी बीमारी की, चाहे वह मामूली ही क्यों ना हो, अनदेखी बिल्कुल ना करें। समय पर चिकित्सक की सलाह आप जरूर लें। कुछ उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि आपको जरूर करना चाहिए। भगवान श्री गणेश की उपासना जरूर करें। माता दुर्गा को शुक्रवार के दिन लाल गुड़हल का फूल अर्पित करें। गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करें और हरी घास बुधवार के दिन गाय को जरूर खिलाएं। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।